हाथ पकड़ के नहीं साइकिल का ऊपर वाले मान जैसे साइकिल ऊपर बनी और नीचे वाले वो खाने बगल मटाने का है वो मैंने डरुआ से हमको 20 वाली में डरुआ दी। मतदान करने का सबका अधिकार है, हर कोई अपने मन से पसंदीदा नेता को वोट दे सकता है। अगर कोई किसी से जबरन वोट डलवाता है तो इसे अधिकारों को छीनना कहा जाता है। दरअसल हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फतेहपुर लोकसभा की जहानाबाद विधानसभा में बूथ संख्या 197 पर एक महिला से जबरन वोट डलवा दिया गया है। यह हम नहीं बल्कि उस महिला ने पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाते हुए खुद कहा है। महिला का कहना है कि वो साइकिल पर वोट डालने गई थी लेकिन वहां पर मौजूद अधिकारी ने हाथ पकड़कर कमल का बटन दबवा दिया। महिला का कहना है कि जब बाद में उसने देखा तो उसमें निशान साइकिल के बजाय कमल का दिख रहा था। हाथ पकड़ के नहीं साइकिल का ऊपर वाले मान जैसे साइकिल ऊपर बनी और नीचे वाले वो खाने बगल मटाने का है वो मैंने डरुआ से हमको 20 वाली में डरुआ दी कमल में। अच्छा हाँ तो जबरदस्ती मोटा मोटा अच्छा वो पकड़ के हमारा हाथ उसमें डरवा दिया। हम कहते कि हमारे नहीं जानते हैं तो तुमको ये कहना चाहिए कि जहाँ तुम्हारी मर्जी वो तहाँ डालिए, तो वो अपन जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के डरवा दिया। कमल आ गए कमल बन गया मशीन में आपको देखिए किसमें डाला था हम उसमें देखा तो कमल बन गया है। वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी ने एक्स हैंडल से इसे पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कही। सपा ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, फतेहपुर लोकसभा की जहानाबाद विधानसभा में बूथ संख्या 197 पर पीठासीन के अधिकारी द्वारा महिला मतदाता से डलवा दिया गया वोट गलत, चुनाव आयोग संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया और प्रशासन पर सवाल भी उठाए। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब तक 4 चरण में चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो वहीं 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग भी खत्म हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए वोट डाले गए। वहीं फतेहपुर संसदीय सीट की बात करें तो इस बार का आम चुनाव बड़े ही कांटे का दिख रहा है। चुनाव मैदान में सत्तारूढ़ बीजेपी से निवर्तमान सांसद और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बीच इस बार लोकसभा सीट पर सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के सहयोग से इस सीट पर जीत दर्ज की है लेकिन इस बार सपा बीजेपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे NBT ऑनलाइन। नमस्कार।